सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द अदर नॉन मेटल्स। जो भी नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट थे हम लोगों ने वो कर चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल का क्वेश्चन आपको अलग से भी मिल जाता है। उस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा। तो ये स्पेशली रेलवे के स्टूडेंट के लिए है, और बाकी आप लोग यहाँ पर रेलवे में जो भी फॉर्म भरे हैं, चाहे NTPC, ALP, JEE हो या फिर ग्रुप डी हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये आपकी केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1071 आज होगा। इससे पहले 1070 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ फिजिक्स और बायोलॉजी के भी प्लेलिस्ट हमने क्रिएट करके रखे हैं, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जनरली, लेकिन यहाँ पर आपका सेकेंड मोस्ट पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है, सेकेंड मोस्ट भी याद रखना है, क्योंकि जनरली बच्चों को फर्स्ट ही आता है, सेकेंड किसी को नहीं आता है, बहुत कम आता है जो पढ़ने का कोशिश करते हैं सीरियसली। तो यहाँ पर आपका सेकेंड मोस्ट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट क्या हो जाएगा? सिलिकन। सिलिकन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं मार्कर यूज़ नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा पाऊँ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैंगनीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है? तो ये आपका पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, इट इज़ यूज इन हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर। तो बात सही है, हम लोग उसको एज ए हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर में यूज़ करते हैं। सेकेंड आपका है, इफेक्ट इज रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड पॉइंट आपका रॉन्ग है मैग्नीज के रिगार्डिंग। तो सेकेंड आपका रॉन्ग हो जाएगा, अफेक्ट इट्स रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा हाई टेम्परेचर में। जब वो हीटिंग एलिमेंट है, आयरन में यूज़ हो रहा है, टोस्टर में यूज़ हो रहा है, तो उसको अफेक्ट क्यों करेगा रेजिस्टेंस को हाई टेम्परेचर में? तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। वैसे भी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर रॉन्ग है मैग्नीज के लिए। चलिए सी पढ़ लेते हैं, क्योंकि सी आपका सही स्टेटमेंट है और डी भी सही स्टेटमेंट है, तो हम लोग को उसको भी जान लेना है। सी में आपका दिया है, मैग्नीज इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मैग्नीज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सेकेंड है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इजिली। तो ये सही है, ये ऑक्सीडाइज इजिली नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका इसमें पूछा है नॉट ट्रू, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में कौन सा मेटल आपको यहाँ पर पाया जाता है, ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटिनियम, प्लेटिनियम आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कॉपर भी फ्री स्टेट में पाया जाता है, और गोल्ड भी पाया जाता है, सिल्वर भी पाया जाता है, ये सब आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है। क्यों? और रीज़न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्यों ये सब फ्री स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि ये सब लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डैश इज द लाइटेस्ट मेटल। तो पीरियोडिक टेबल में आपका लाइटेस्ट मेटल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लिथियम। लिथियम एक लाइटेस्ट मेटल है, सबसे ज़्यादा हल्का मेटल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्रोजन अमोंग देम सोडियम एमलगम एंड NaBH4 व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपका दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा, इसमें हम लोग बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अक्सर डाउट क्रिएट करते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या है, दे आर यूज टू रिमूव स्लैग फॉर्म थॉट मेटल। तो ये आपका कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। सेकेंड आपका है, दे आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ईस्टर मेटल। तो ईस्टर मेटल का यूज़ के लिए दोनों को यूज़ करते हैं, ये कॉमन है, तो ये कॉमन आपका नहीं है। तो ए और बी आपका कॉमन यहाँ पर नहीं है। सेकेंड हो गया आपका, थर्ड में है, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर लिथियम सोडियम एमलगम एंड NaBH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना, दोनों आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी तो पढ़ना ही नहीं है क्योंकि वो कॉमन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लाइटेस्ट, तो सबसे हल्का मेटल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो इजीली आप लोग यहाँ पर बता पा रहे होंगे लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लिथियम सबसे लाइटेस्ट मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेटल डेट रिमेन इन लिक्विड स्टेट अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही, तो बताना कौन सा मेटल यहाँ पर लिक्विड स्टेट में ही रहता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव भी। तो मेटल का नाम पूछा, तो यहाँ पर आप ऑप्शन दिया गया है मरकरी और गैलियम या फिर बोथ, तो यहाँ पर आप लगाएंगे मरकरी, लेकिन वो आपका हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर आपका क्या होगा, मरकरी एंड गैलियम दोनों रहता है लिक्विड स्टेट में अबव 35 डिग्री, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द क्वार्ट्ज यूज इन वॉचेस, तो वॉच में हम लोग क्वार्ट्ज यूज किया जाता है वो किससे आपका फॉर्म किया होता है, ऑप्शन आपका दिख रहा है नाइट्रोजन सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट या फिर कैल्शियम सिलिकेट, तो ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ये बना रहता है, जो भी क्वार्ट्ज यूज इन वॉचेस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये और कहाँ यूज होता है, आपका डाइंग में यूज होता है और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ एयर, तो यहाँ पर बोला गया कि कौन सा मेटल एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल में क्या क्या आता है, गोल्ड आता है, प्लैटिनियम आता है, तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, प्लैटिनियम को हम लोग व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1080 विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेल्ट व्हेन प्लेस्ड ऑन पाम, तो हाथ में किसको रखने से वो मेल्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम आपका ऐसा मेटल है जिसको हम लोग अपने हैंड में रखेंगे हाथ में, तो स्लोली वो स्टार्ट मेल्टिंग हो जाएगा, ठीक है, स्लोली मेल्टिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, तो गैलियम का आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 29 अप्रॉक्स आपका सेंटीग्रेड हो जाएगा, और सीजियम का भी 28.4 सेंटीग्रेड, तो दोनों बहुत कम टेम्परेचर में ही मेल्ट कर जाते हैं। और इसको हम लोग किस में स्टोर करते हैं, स्टोर इन कैरोसिन, कैरोसिन में स्टोर करते हैं, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दैस मेटल डज नॉट डीके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है तो आप लोग इसको कॉपरेट कीजिए, तो यहाँ पर आपका कौन सा मेटल हो जाएगा जो डीके नहीं करता है, तो ये आपका प्लैटिनम हो जाएगा। प्लैटिनियम आपका डी ब्लॉक का मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर है 78, तो ये बात आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है दैस मेटल मेल्ट ऑन आवर पाम, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिख रहा है गैलियम, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैलियम एक ऐसा मेटल है जो कि हाथ में रखने से ही मेल्ट कर जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर आपका 29 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू पुट डैश मेटल ऑन योर पाम द मेटल मेल्ट्स, तो यहाँ पर अभी सेम क्वेश्चन आपको पूछा है, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर गैलियम आपको अगर दिख रहा है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर आपको सीजियम भी दिखे तो वो भी आपका इसमें आएगा, तो सीजियम और गैलियम ऐसा मेटल है जिसको हम लोग हाथ में रखते ही वो मेल्ट कर जाता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल मिनरल, तो आपको बताना है ये नॉन मेटल मिनरल कौन सा है, तो बॉक्साइट आपका मेटल मिनरल है, मैग्नीशियम भी आपका मेटल मिनरल है, और मैंगनीज भी आपका मेटल मिनरल है, लेकिन जिप्सम, जिप्सम आपका नॉन मेटल मिनरल है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टेन, तो टंगस्टेन का मेल्टिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3000
380 सेंटीग्रेड, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 3380 सेंटीग्रेड।